So back to what I was saying. फैमिली, आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो हमारी गुड्डू है, ये कितनी खुश हो रही है कैमरा को देख के। हमारी सबसे जूनियर जो एक्ट्रेस होती है ना, छोटी हीरोइन, वो है। तो जो गुड्डू है ना, वो बेड, जो उसका बेड हमने बनवाया था, उसके बीच में से निकल जाती है। इतनी स्लिम ट्रिम है हमारी बेबी। तो उसके लिए पति देव ने एक सोल्यूशन दिया था कि एक बम्पर बनवा लेते हैं, वो जो बेड है उसके चारों तरफ लग जाएगा, बाउंड्री बन जाएगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो पति देव अभी उसको लगा रहे हैं और गुडरी की पूरी सेफ्टी के लिए तैयारी की जा रही है। तो हमने आपको बताया था कि गुड्डू का बेड तो हमने बनवा लिया था। एक्चुअली जो निमेरा वाला बेड था ना, ये वही वाला बेड है जिसमें मैं सोता था, ये वही बेड है। इसको छोटा करवाया हमने और इसके बाद ना ये लगवाया हमने। और अब इसके बाद ना ये जो डंडियां है ना, ये सर पे लग जाती है बच्चों के, बच्चे ऐसे ऐसे हिलते हैं सोते होते। तो हमने फिर ये बम्पर बनवा दिया। बम्पर में ये बेडशीट है, इसके अंदर जो है वो फोम भरी हुई है और ये क्विल्ट यहाँ पे किया गया है। तो ये सुंदर सा बम्पर बना हुआ है और इसको भी मैं लगा रहा हूँ। यहाँ से ना हमने ये तनिया भी बनवा दी ताकि ये यहाँ से ऐसे बन जाए। ये देखो, लाइक दिस। फैमिली, मम्मी यानी कि गुड्डू की दादी गुड्डू के लिए लेके आई हैं ये वाली चेयर। पता नहीं कौन सी चेयर बोलते हैं मम्मी इसको, रॉकिंग चेयर। हाँ, रॉकिंग चेयर, गुड्डू से बैठे रॉक कर देगी। पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग रिटायर होते थे, उनको मिलती थी। रिटायर हो, हाँ, मेरे दादू के पास, दादू की चेयर भी हमारे पास रखी है। ऐसी सेम रिटायरमेंट में, टाटा ही में बैठी है। तो अभी तो रिटायरमेंट की लाइफ जी रही है। मजे आ रहे गुड्डू को। कुछ ज्यादा मम्मी समझदार सी नहीं लग रही आपकी पोती आज। नहीं है, है? मैंने कल भी नोटिस किया था कि थोड़ी है समझदार। है? अच्छा, थोड़ी आपको लगी, मतलब है समझदार हमारी बच्ची। वैसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इसके साथ, मुझे लगा कि क्या क्या याद नहीं आ रहा। मतलब कल मैंने महसूस किया था दो बार। है? आपको पता ही है कि गर्मियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, तो एसी की सर्विस के लिए अब सब लोग अपने घर में लगे पड़े हैं, एसी की सर्विस करवा रहे हैं। जितने भी एसी हैं सारे की ठीक हो जाएं। तो मम्मी ने भी बुलाया अकरम भैया को। आप अगर व्लॉग्स मेरे रेगुलर देखते हो तो आपने देखा होगा कि अकरम भैया जो हैं वो बहुत टाइम से, मतलब शायद से पहले भी हमारे आते थे एसी ठीक करने। और बिल्कुल, मतलब मैं उनको अपने भाई की तरह मानती हूँ, वो आज आए हैं। बट उनका पूरा हाथ जो है, वो पूरा हाथ उनका जला हुआ, उसके बाद भी वो एसी की सर्विस करने आए हैं। मतलब देख देख के, मतलब ऐसा होता है कि मैं तो छोटी छोटी बातों पर टेंशन में आती हूँ। मम्मी मुझे भी यही समझा रही थी कि आप चैलेंजेस देखो सबकी लाइफ में क्या क्या होते हैं। दुनिया में सबके पास चैलेंजेस हैं, कोई हंस के ले लेता है, कोई रो रो के एक कोने में पड़ा रहता है। इसलिए सभी चैलेंजेस को हंस के फेस करो, आने हैं। जब तक लाइफ है तो आने हैं, दुनिया से चले जाएंगे तो चल सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए चैलेंजेस फेस करना सीखो। ये देखो फैमिली, भैया कितने अपने काम को लेके वो हैं कि इनका भैया का पूरा हाथ जला हुआ, उसके बाद भी भैया काम कर रहे हैं, उनका पूरा आधा हाथ जला हुआ है। भैया ये आप क्यों तोड़ रहे हो? ये दीदी इधर जो है नट वगैरह दबा दिए इसके इंडोर के। अच्छा, ये निकल गया पाइप इसका, ये आ रहा पाइप। मतलब इसको तोड़े बिना ठीक नहीं हो सकता, लगे लगे किसी की कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसका। इसके चक्कर में हमारा इंडोर भी बेकार हो जाएगा अगर हमने अंदर से बाय चांस पाइप काट दी। जी, गुड्डू देख रही है फैमिली इतने ध्यान से कि क्या हो रहा है, क्या तोड़फोड़ चल रही है घर में। गुड्डू आप भी देखी देखी कर रहे हो, कहाँ वाला है फैमिली, इसको देखो जरा। देखो बाल्टी के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। हाँ, बाल्टी के अंदर घुस जाओगे आप, घुस जाओगे। तू आज खा रही है चॉकलेट। गुड्डू के लिप्स देखो भाई, ब्राउन ब्राउन हो गए। गुड्डू मजा आया? पूरा चॉकलेट का एक क्यूब अपने मुंह में डाल गए, तो कैसे टेस्ट ले खा रही है, मजा आया? मजा आ गया भाई, इसी के सामने मजा आ गया। Oh
फैमिली आज है अष्टमी बट मुझे जाना है स्कूल। अभी बज रहे सुबह के 7:30। तो मम्मी ने उठ के पहले तो जोत जला दिया है माता की और अभी बन रहा है हलवा, प्रसाद का हलवा। बट मैं कंजक में नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है स्कूल और आज तो मेरा पूरे दिन का स्कूल है, उसके बाद भी एक मतलब ऑडिटोरियम में कुछ इंटरेक्शन है तो आज मुझे पूरा ही दिन लग जाएगा। माता की जोत मम्मी ने जला दी है, जय माता दी। मैंने मत्था भी टेक लिया जोत के आगे और मम्मी आ जा भी जल्दी जल्दी उठ गए माता का प्रसाद बनाने। आज आपने भी जाना था, बंटी ने भी जल्दी जाना है, जल्दी कंजक के बिठाएंगे। लास्ट टाइम तो दो बार से शायद मैं रिकॉर्ड कर दी थी कंजक का, इस बार पतिदेव करेंगे। इस बार हाँ। आपकी बहू नहीं रहेगी उस यहाँ घर में, तो मैं जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो गुड्डू तैयार हो चुकी है अष्टमी के लिए। जय 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 जय। और सब बच्चे भी आ चुके हैं अष्टमी करने के लिए। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ये मम्मी ने मंदिर सजाया है बहुत सुंदर, शेरवाली माता का बोल सांचे। पापा वहाँ पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर अभी हम जय करेंगे और प्रसाद बांटेंगे। यहाँ पे सारे प्रसाद विद बॉक्स मम्मी ने यहाँ पे प्लान किए और तैयार किए हैं, इसके अंदर हलवा पूड़ी छोले ये सब रखा है, टीका और ये मौली, ये पानी पैर धोने के लिए। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। गुड्डू भाई का गुड्डू, ओ गुड्डू जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, गुड्डू जय माता दी, गुड्डू ताली बजा, ताली जय माता दी, जय 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 गुड्डू, जय गुड्डू को ले आओ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। जय जय लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट ये वन। जय माता दी गुड्डू, जय माता दी, अरे वाह पापा, जय जय वेरी गुड, जय जय गुड्डू, जय 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 जय। आशीर्वाद दो पापा का, आशीर्वाद दो पापा का, पापा का। जय माता दी, जय माता दी, लो जय माता दी, वाली दा वो साचे दरबार की जय। जय माता दी जय माता दी जय माता दी, आए बाबा जिंदा, आए बाबा जिंदा, आए बाबा जिंदा, ये।